शिकारपुर टी गार्डन में 2013 से पहले प्रेग्नेंट महिलाओं का डिलीवरी घर में होती थी। अगर 10 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो 8 लोगों का डिलीवरी घर में ही होता था और बाकी 2 का डिलीवरी हॉस्पिटल में होता था। इसका कारण यह था कि वहां के लोग जागरूक नहीं थे। तो फर्स्ट डिलीवरी कब हुई रहे? फर्स्ट मार डिलीवरी 2008। तो कहाँ डिलीवरी होला? घर में डिलीवरी रहे। कैसन होला, कैसन अथी होला? मार डिलीवरी अचानक में जा रहे, मैं तो नया नया मैं नहीं जाना तो हो जान मर जे दिन जाना लग से दिन हमारे घर आदमी के नहीं रहन और इधर आसे पास कर आदमी भी काम जाए रहन मार बात था चालू लग मैं का कर को का नहीं ईसन सोच के मैं या दीदी के गेलो को लागले दीदी भी नहीं रहे घर या गाड़ी फोन जैसन कर ला उसने मैं घर में अच्छा हो गेलो ये कारण से मैं हॉस्पिटल जा नहीं पा लो। 2012 से 22 नंबर सब सेंटर में आशा वर्कर एनएम दीदी मुनि ICDS वर्कर ने मिलकर रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान पता चला कि वहाँ पे होम डिलीवरी ही ज्यादा हो रही है। আমরা যখন প্রথম এখানে কাজ করতে আসলাম তখন হলো আমরা দেখলাম একটা পজিশনে মানে বাগানের অবস্থা খুব খারাপ পজিশনে ছিল, যে হলো হোম ডেলিভারি বাড়িতে ডেলিভারি হতো, হসপিটালে যেত না, রাস্তাঘাটের প্রবলেম আছে, অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারতো না, ঢুকতে পারতো না, রাস্তাঘাট ভালো অবস্থা নেই আর এরকম হতো মারা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজের পাবে যেটা হলো হসপিটালে ওরা ভয় পেত বা হলো সাব সেন্টারে আসতো ওটা ভয় পেত, এই কারণে ওরা নাম এন্ট্রি করতেও আসতো না। তারপরে আমরা ওদের হোম ভিজিট করে বা ওদের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করে ওদের সাথে বসে মিটিং টিটিং করে ওদের বোঝাতাম যে এটা তোমাদের হাত, তোমাদের হসপিটালে ডেলিভারি করতে হবে, তোমাদের সাব সেন্টারে গিয়ে 3 মাসের মধ্যে তোমাদের নাম এন্ট্রি করতে হবে, তোমাদের টিকাগুলো নিতে হবে। पहले वो लोग को पता नहीं था कि हम लोग को सरकार से क्या क्या मिलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या पाएंगे। तो हम लोग जब यहाँ से वो लोग को बताए कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करने से क्या क्या आप लोग को मिल सकता है, आप लोग का जो जाने आने का खर्चा नहीं लगेगा, तो वो लोग का पहले डर था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को बात करने नहीं आता है, प्लस वो लोग का गाड़ी भाड़ा ये सब एम्बुलेंस को जो भाड़ा लगता था वो सब, उसका वजह से शायद वो लोग का घर में डिलीवरी होता था। लेकिन हम लोग जब से आए हैं अभी तो हॉस्पिटल के लिए हम लोग वो लोग को बोलते हैं, फिर वाउचर देते हैं, वाउचर उचर से वो लोग का हम वो लोग का साथ में भी जाते हैं, हम लोग बहुत सारा हेल्प करते हैं हम लोग कि कहाँ जाने से ठीक होगा नहीं होगा ऐसे वो लोग, अभी तो वो लोग ही हम लोग को बुलाते हैं कि हाँ हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे, चलो दीदी। तब तो सेकेंड बच्चा मतलब कहाँ डिलीवरी होला? सेकेंड बच्चा हमारा बड़ोबाड़ी, बड़ोबाड़ी हॉस्पिटल में का तो के हुआ सुविधा मिल लख हॉस्पिटल में? बहुत सुविधा मिल लख, का सुविधा मिल? खाना पीना दोई माने या बिहान पला दूध चले मके कोनो अगर अच्छी रहे टाइम टाइम में खाना पीना मिल रहे टाइम टाइम में दोई रह कर भी आराम का तो के किसन महसूस किसन कर लेते हैं हॉस्पिटल में? महसूस क्या महसूस बहुत अच्छा मुका हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। एनएम दीदी और आशा वर्कर ने बताया कि 2016 में प्रेग्नेंट महिलाओं की संख्या 67 थी, जिनमें से 64 महिलाएं डिलीवरी के समय हॉस्पिटल गई और 3 महिलाएं घर में ही डिलीवरी हुई। धीरे धीरे होम डिलीवरी की संख्या कम होती जा रही है। 2017 में जितने भी डिलीवरी हुए वे सब हॉस्पिटल में ही होती। घर में डिलीवरी करल से का का खतरा होल से? घर में डिलीवरी करल से है तो छुआ करो सुविधा हुई, दवाई बिरो नहीं मिली, कोनो नहीं मिली। तो ते कहाँ डिलीवरी करे चाहिए इसलिए? हॉस्पिटल में। काले हॉस्पिटल में सब देखभाल अच्छा हुई है, ले छुआ कर भी देखभाल हुई, मोरो देखभाल हुई। अगर महिलाओं को सही जानकारी और अच्छा क्वालिटी का केयर किया जाए तो वह हॉस्पिटल जरूर जाएगी।